अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीन हसन और आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं जायका बचत के साथ में। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आज जो है, बल्कि छोटी सी एक बात करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी हो वाह वाह, तो किस तरह से वो होगी वाह वाह कि बचत भी जो बजट है वो भी कंट्रोल में रहे, यानी आपकी मुट्ठी में रहे। ये मेरी और आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से हमने जो है वो बजट को कंट्रोल किया है। और आपने देखा कि इस शो के अंदर जो है, यानी जायका बचत के साथ में, मैं आपको ये बात भी बता रही हूँ कि बचत किस तरह होगी। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं स्टू, लेकिन मैंने कहा कि आज दस्तरखान पे जो है एक नई जायके का, नई डिश का इजाफा भी हो जाएगा। तो पहले मैंने जो चीजें ली है वो मैं आपको बता दूं। चिकन लिया है जी आधा किलो है, लहसुन के 4 जबे हैं, साबुत लाल मिर्च जो है सौफ जी 5 रुपए की मैंने इसमें ली है, दही 20 रुपए का लिया है मैंने, ये नमक हसब जायका होगा, प्याज जी 25 रुपए की ली है, ये अदरक है। अच्छा जी, प्याज के बाद अदरक है, तकरीबन गरम मसाला है साबुत 2 टेबल स्पून के करीब है, लेकिन मैंने लमसम करके लिया था 50 रुपए का, मुझे चाहिए अगर यहाँ से बच गया तो मैं किसी और जगह पे इस्तेमाल करूँगी, वो तो आपको पता है वेस्ट तो कोई चीज़ नहीं होती मेरे किचन में। हल्दी है ये मेरे पास थी, ऑयल मैंने आपको बता दिया था कि हमने पहले ही ऑयल परचेज कर लिया था। अच्छा, आप इन्ग्रीडियंट्स जो है इसका मैंने आपको बता दी ये सारी चीज़ें। अब हम स्टू बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ऑयल जो है हसब ज़रूरत है, कुछ लोग ऑयल बहुत ज़्यादा खाते हैं, और फिर रमज़ान में तो वैसे भी ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तली हुई और ये सारी चीज़ें जो है वो अफ्तार में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें से आधी प्याज जो है वो इसमें डाल दूँ, जैसे सौते करना है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए, बस मुझे सिर्फ इतना से चाहिए कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और फिर इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी, लहसुन अदरक जो है वो काटना है, ये जो है आप लहसुन काट दीजिए, छोटे छोटे चॉप कर दीजिए वॉट एवर जो भी आपकी। अच्छा, प्याज से कलर आपको नजर आ रहा होगा कि ये इसमें तो जहां से नॉट होती है ना, ये जो पुदीने की ये आपको दिख रहा होगा, जो है लहसुन और अदरक डालूंगी और थोड़ा सा ये जो गरम मसाला वगैरह है ये इसमें डालूंगी। जी हाँ, आप लोग मेरे साथ मौजूद है मेरे किचन जायका बचत के साथ में, और हम बना रहे हैं स्टू। जहाँ से जिन्होंने अभी देखा है, देखना शुरू किया हमें, उन्हें मैं बता दूं कि हम जो है बना रहे हैं स्टू, लेकिन स्टू बना रहे हैं बहुत ही बचत के साथ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, आँच इसकी थोड़ी सी मैं तेज़ कर देती हूँ, जो ग्रेवी बनेगी इसकी, क्योंकि थिक मसाला होता है, बहुत शोरबे वाली चीज़ नहीं होती है, तो वो दही से ही इसका बनेगा। थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और जब तक भुनेंगे जब तक थोड़ा सा ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता, और उसके बाद इसमें चिकन हम शामिल करके। अच्छा, साथ साथ एक टिप भी बताते चलूं कि नॉन स्टिक अगर आपको तवा बनाना है, तो यानी आम तवे को अगर आपको नॉन स्टिक बनाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि प्याज या आलू का स्लाइस जो अच्छी तरह से तेल में डिप हुआ हो, यानी कि कोई भी कुकिंग ऑयल में। अच्छा जी, ये हमने मसाला भून लिया, ये आपको दिख रहा होगा कि ऑयल इसका ऊपर आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, और ये खाना आराम से, बहुत आराम से होगा। अच्छा, इसको भूनने के बाद जो है, अच्छा चिकन जो है वो अपने ही पानी में पकेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें दही भी डला हुआ है, दही का पानी भी है। मैंने लौंग डाली है, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची 1 अदद, जो लाल मिर्चें हैं साबुत वो, कड़ी पत्ता आपका दिल है तो डालिए, नहीं दिल है तो मत डालिए। ये भून के इसकी आँच में आप स्लो कर रही हूँ, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ ताकि इसकी तरह से एक ग्रेवी सी बन जाए, वरना जो चिकन जो है अपने ही पानी में पक जाएगा। तो भाई, स्टू में जो है वो खड़ा मसाला ही होता है, और स्टू में प्याज और ये सारी साबुत मिर्चें वगैरह जो है वो कच्ची कच्ची इसी तरह से मुँह में आ गई। अच्छा, अब मुझे चाहिए होगा हरा धनिया, जो जब मैं दम पे मैंने इसे लगा दिया है, तो उसके बाद इसमें से इतना मैं निकाल लेती हूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है, और आजकल सीज़न भी बहुत अच्छा है इसका, हरा धनिया पुदीने की। और अपने रोज़े को बहुत अच्छा सा गुजारिए, ये सोच के गुजारिए कि शायद अल्लाह पाक ने, बल्कि सबसे ज़्यादा तो अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आ गया है। और अब मैं इसे डिश आउट कर दूँ। अच्छा जी, स्टू हो गया हमारा तैयार, बहुत यम्मी, मज़ेदार और जायकेदार। और सबसे बड़ी बात है कि बजट के कंट्रोल में, बिल्कुल बजट रख के मैंने ये बनाया है। वो स्टू हमारा हो गया तैयार, और टड़िंग टड़िंग ये हिला दूँ इसको ज़रा सा, और मैंने आखिर में जो गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया इस पर चॉप करके डाल दिया है। बहुत मज़ेदार,
बहुत जायकेदार और आपके दस्तरखान पे एक और नया इजाफा होगी ये डिश। वेल, मैं हूँ सबीना सन और आप लोग देख रहे थे जायका बचत के साथ।